की जा रही है। भोपाल में बीजेपी सदस्यता अभियान पर बड़ी बैठक, अभियान के दूसरे फेज की रणनीति को लेकर मंथन, पहले चरण की भी समीक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी सदस्यता अभियान पर यह बड़ी बैठक हो रही है, दूसरे फेज को लेकर यह बैठक हो रही है और पहले फेज की भी इसमें समीक्षा की जा रही है। तो शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस मंथन को लेकर? पहला फेज निपट चुका है, अब दूसरे फेज की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बीजेपी वो राजनीतिक दल है जो किसी भी काम को करने के पहले बैठक करता है और जब वो काम खत्म होता है तो उसके बाद समीक्षा आयोजित की जाती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी में पहला चरण जो है सदस्यता अभियान का संपन्न हो चुका है, 1,14,00,000 से अधिक सदस्य जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी ने पहले चरण में बनाए हैं, लेकिन अब दूसरा चरण जो है वो 2 तारीख से शुरू होना है, उसको लेकर तैयारियाँ किस तरह की रहने वाली, कौन कौन से वर्ग हैं जिनको विशेष फोकस रखना है, इस सबकी तैयारियों को लेकर आज बैठक आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही पहले चरण में जो सदस्यता हुई है उनमें से कौन ऐसे जिले हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है, कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी को जो उम्मीद थी उस हिसाब से सदस्यता अभियान में सफलता नहीं मिली है, तो ये सब बातों को लेकर यहां पर चर्चा का लगातार जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह है और उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित सभी जिलाध्यक्ष और जो प्रभारी बनाए गए थे सदस्यता अभियान के, उन सबको यहां पर बुलाया गया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी ने 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, उसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहा। पहले चरण में 1,14,00,000 के आसपास सदस्य बना लिए गए। इस बार अगर हम देखें तो किसान, महिला और युवा जो है वो बीजेपी के फोकस में थे और जिस तरीके से एक दिन का महाअभियान भी चलाया गया, महाअभियान में भी बड़ी संख्या में जो है वो सदस्यता दिलाई गई और उस दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के तमाम जो नेता थे सभी जो है वो ग्राउंड पर नजर आए थे, अलग अलग इलाकों, अलग अलग बस्तियों में जाकर उन्होंने। धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। डीएपी की जगह पर एनपीके खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। सीएम ने निर्देश दिए कि कलेक्टर फसलों के नुकसान की गंभीरता से उनका आकलन करें। तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसाद में महापाप का मामला सामने आने के बाद प्रदेश के मंदिरों में भी सावधानी बरती जा रही है। खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर के लड्डुओं की भी जांच की जा रही है। खाद्य और औषधि विभाग ने लड्डू प्रसाद के सैंपल लिए हैं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रसादालय में लड्डू बनवाए जाते हैं। घी, मूंग दाल, बेसन सहित खाद्य सामग्री के 6 नमूने लिए गए हैं। सैंपल राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। 15 दिन में जांच रिपोर्ट सामने आने की संभावना है। ओंकारेश्वर श्री जी मंदिर में रोजाना करीब 1 क्विंटल से ज्यादा लड्डू प्रसाद तैयार कराया जाता है। तो महाप्रसाद में महापाप सामने आने के बाद अब मध्य प्रदेश के भी अलग अलग मंदिरों में एहतियात, सावधानी बढ़ती जा रही है। ओंकारेश्वर मंदिर के लड्डुओं की भी जांच करने की बात कही गई है। ओंकारेश्वर स्थित जो अपना तीर्थ स्थल है वहाँ पर जहाँ पे लड्डुओं का निर्माण प्रसाद के रूप में किया जाता था वहाँ पर गहन जांच की गई थी और वहाँ पर ये पाया गया था कि अमूल घी जो है उसके अंदर वो निर्मित किया जाता है और अन्य खाद्य सामग्रियां जिनसे लड्डुओं के अंदर जो उपयोग में लाई जाती हैं और जो भोजनशाला में लोगों को भोजन कराए जा रहे हैं उस संदर्भ में कुल जो है 6 नमूने वहां से संग्रहित किए गए और राज्य खाद्य प्रयोगशाला में। अमित जायसवाल खंडवा से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अमित, सैंपल लिए गए हैं ओंकारेश्वर मंदिर के प्रसाद के भी? जी बिल्कुल, तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर जो है देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से 4th स्थान पर है और देश विदेश के भक्त यहां पहुंचते हैं और भगवान का जो प्रसाद है उसे आशीर्वाद समझकर ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को लेकर मन में कोई संशय न हो इसको लेकर यहां जांच पड़ताल की गई है। चूंकि तिरुपति बालाजी का मामला सामने आया जहाँ महाप्रसाद में महापाप
सामने आया, उसके बाद अलग अलग मंदिरों की जांच की जा रही है। ओमकारेश्वर मंदिर में जो प्रसादालय है वहां पर ये लड्डू प्रसादी का निर्माण कराया जाता है और जो भक्त यहाँ आते हैं उन्हें ये प्रसादी उपलब्ध कराई जाती है। जिन चीजों से ये लड्डू निर्मित होते हैं उन सभी चीजों के 6 सैंपल लिए गए हैं और आगामी 15 दिनों में इसकी जांच रिपोर्ट सामने आएगी, स्पष्ट हो पाएगा कि इन लड्डुओं की शुद्धता कितनी है, कसौटी पर ये कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल जांच कर ली गई है और न सिर्फ ओमकारेश्वर के मंदिर के बल्कि खंडवा का अवधूत संत दादाजी धुनीवाले का मंदिर है, यहाँ के भी जो प्रसादी है उसके भी सैंपलिंग की गई है। इस तरह से सैंपल का दौर जारी है, जांच रिपोर्ट स्पष्ट करेगी कि ये प्रसाद कितना शुद्ध है, कसौटी पर कितना खरा उतरता है। धन्यवाद अमित जायसवाल आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिली चर्बी मिलने के बाद प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर बनने और बिकने वाले प्रसाद की जांच हो रही है। सीहोर के प्रसिद्ध देवी तीर्थ मां विजयासन देवी के सलकनपुर मंदिर में सरकारी संरक्षण में बनने वाले लड्डुओं को लेकर खुद मंदिर समिति ने कलेक्टर से जांच की मांग की है। अब लड्डू निर्माण समिति और मंदिर समिति आमने सामने आ गए हैं। 23 सितंबर को सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय ने मंदिर समिति की ओर से एक आवेदन कलेक्टर और एसपी को दिया था। मंदिर परिसर से स्व सहायता समूह के स्टॉल को हटाने की मांग की गई है। टेस्ट नहीं निकला, हमने प्रशासन से निवेदन किया है माननीय कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से कि स्वशासन समूह के नाम से जो मंदिर का मोनो लगा के जो संस्था लड्डू बेच रही है उसके प्रमाणीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है और मंदिर का चूंकि नाम जा रहा है, कल यदि किसी प्रकार की क्वालिटी मिस्टेक आती है तो मंदिर प्रबंधन की जवाबदेही बनेगी। इसलिए हमने निवेदन किया है जिला प्रशासन से कि मंदिर प्रांगण में या परिधि में जो भी कोई दुकान हमारे यहाँ होती नहीं है। सर, हमारे बारे में जो भी कहा जा रहा है हमारे लड्डू के विषय में जो भी कहा जा रहा है वो सारी गलत भावनाएं हैं, गलत उससे कहा जा रहा है हमारे लड्डू में ऐसी कोई महक नहीं है क्योंकि यहाँ भी श्रद्धालु आते हैं। मेरी उस दिन कलेक्टर साहब से मिलने गई थी, उस दिन भी मेरे को 2-4 श्रद्धालु मिले, उन्होंने मेरे लड्डू के बारे में पूछा कि यहाँ पहले मंदिर था, मंदिर पर लड्डू बिकते थे, आजकल कहाँ है ये चीज पूछी गई। सर वो कह रहे थे हमको लड्डू चाहिए थे, लड्डू उनको नहीं मिल पाया। आपको आपको अभी ट्रस्ट समिति की तरफ से कुछ हटाया गया क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ अध्यक्ष साहब ने मुंह से मुखाग। ग्वालियर में सरकारी अस्पताल में छेड़खानी का मामला सामने आया है। कमला राजा अस्पताल में छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। बेटे का इलाज कराने आई महिला अटेंडेंट के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। कमला राजा अस्पताल के डेंगू वार्ड में छेड़खानी की घटना हुई। महिला अपने बेटे का इलाज कराने यहां आई थी, बेटे की देखभाल के लिए महिला अस्पताल में सो रही थी, सोते समय दूसरे अटेंडेंट ने महिला से छेड़खानी की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डेंगू का इलाज करा रही बच्चे की मदर ने जो है कंपू थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो कमला राजा हॉस्पिटल में अपने बच्चे का इलाज कराने के दौरान सो रही थी। इसी बीच में वहाँ पे एक शिवपुरी का धर्मेंद्र रावत करके युवक है, उसने बुरी नीयत से उनके साथ में असली हरकत करी। उनकी रिपोर्ट पर से जो है छेड़छाड़ का अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में विवेचना की जा रही। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी से पूछताछ कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा। शिवपुरी में 20 सड़क पर जमकर मारपीट की गई। शराब कंपनी के कर्मचारियों के बीच लात घूंसे चले, आपसी विवाद को लेकर एक दूसरे से भिड़े। देहात थाना क्षेत्र के पास का ये मामला है। बीच सड़क पर किस तरह से यहां पर मारपीट हुई है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शिवपुरी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। शराब कंपनी के कर्मचारी हैं जो बीच सड़क पर ही एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। और अब बात इंदौर की, जहां बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बदमाशों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, पोस्ट में लिखा हमने सरकार को भी दोस्त बना लिया। पुलिस दबिश में नाला कूद कर ये बदमाश भागा था। पुलिस ने बदमाश के घर पर दबिश दी थी, दबिश देने पर थाना प्रभारी का ट्रांसफर हुआ था। उज्जैन में मूसलाधार बरसात से बिगड़े हालात, शिप्रा नदी का फिर बढ़ा जलस्तर। शिप्रा के घाट पर बने मंदिर डूब गए, सड़क पर पानी भरने से लोगों की बढ़ी परेशानी।
तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन की, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्षिप्रा नदी का जलस्तर भी एक बार फिर बढ़ गया है। क्षिप्रा के घाट पर जो मंदिर बने हुए हैं वो डूब गए हैं। तस्वीरें नीमच की आपको दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद यहां भी परेशानी बढ़ गई है, किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। दो दिन से लगातार बरसात से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, सोयाबीन की फसल को नुकसान होने की आशंका है। कुछ और खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन पहले रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।